हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास एकेडमी एंड यू आर वाचिंग आवर साइंस वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर. आवर चैप्टर नेम इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट. दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर एंड आवर न्यू टॉपिक इज़ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, और फिर उसके बाद में उसके आगे बढ़ते हुए हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी, जिसमें किस तरह से कोई प्लांट अपना फूड बनाता है और आगे न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरी चलती है और वो उसकी ग्रोथ करता है. उसी में हमने देखा था कि एक ग्रीन पिगमेंट था जिसे हमने क्लोरोफिल के नाम से जाना था, और उसके कारण ही हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. और हमने ये बात की थी कि जिन प्लांट में ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, वो प्लांट अपना खाना खुद से नहीं बना पाते और उन्हें हम डेड प्लांट्स कहते हैं. बट क्या ये पूरी तरह से अगर देखा जाए हमारे नेचर में, वर्ल्ड में, तो क्या 100% ये बात सही हो सकती है? अगर हम बात करते हैं तो नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बट फिर भी वो प्लांट हैं और वो फिर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. तो आज हम इसी टाइप के कुछ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि किस तरह से बिना क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कुछ प्लांट्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डू नॉट कंटेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, कांट मेक देयर ओन फूड. अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खुद का खाना भी नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं बना पाएंगे तो लाइफ यहाँ पर सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. किस तरह से वो जी रहे हैं, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, और किस तरह से कहाँ से उन्हें उनका खाना मिल रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में. दे आर डिपेंड ऑन द अदर ग्रीन प्लांट. सो बेसिकली यही होगा कि अगर जब वो खुद का खाना नहीं बना पा रहा है तो ज़रूरी डिपेंड है कि कहीं ना कहीं वो किसी और के ऊपर डिपेंड होगा अपने खाने को लेकर के. सो एकदम राइट बच्चों, बिल्कुल सही. यहाँ पर ये है कि इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी कि कुछ और प्लांट्स या कुछ इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी लाइफ के लिए. सो देखते हैं, इसी कैटेगरी में हम लेंगे पैरासाइट. ये इस टाइप का फर्स्ट कैटेगरी है. तो पैरासाइट प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे. तो पैरासाइट प्लांट होते क्या हैं? नॉन ग्रीन प्लांट दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स. तो ये कैटेगरी का फर्स्ट नंबर का प्लांट बच्चों हम पढ़ेंगे, पैरासाइट, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट है. नॉन ग्रीन प्लांट इट सिंपली मीन्स दैट इट कांट कंटेंट क्लोरोफिल. सो ये क्या करता है, अदर ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने को लेकर के. और इसके बारे में हम देखते हैं तो होस्ट. अब होस्ट क्या होता है, द प्लांट ऑन विच दे डिपेंड. कुछ ऐसे दूसरे प्लांट्स होते हैं जिन्हें होस्ट के नाम से जाना जाता है, पैरासाइट प्लांट, जिन अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनसे वो उनका खाना ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम होस्ट के नाम से जानते हैं, और उन्हीं होस्ट प्लांट से इन्हें इनका फूड मिलता है. दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इस तरह का जो भी न्यूट्रिशन मोड है, जिस तरह से प्लांट्स अपना खाना दूसरे पौधे से, होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, रेफ्लिशिया फ्लावर, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, हैवीएस्ट और सिंगल फ्लावर है. अगर आप उसको नेट पर, वैसे मैंने अपने नोट्स के अंदर उसके कुछ पिक्चर्स शेयर की थी आपके साथ में, फिर भी आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हैवीएस्ट और लार्जेस्ट फ्लावर है, जिसका साइज कुछ एक छोटे बच्चे के आसपास से भी काफ़ी बड़ा होता है. सो वो एक कैटेगरी है पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स के. तो बेसिकली बच्चों ये टू टाइप्स के होते हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चों, कि वो फुल्ली डिपेंड करते हैं होस्ट प्लांट के ऊपर. वो बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार से अपना खाना नहीं बना पाते हैं, कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, वो फुल डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट के ऊपर. और हम सेकंड बात करेंगे हम पार्शियली पैरासाइट के बारे में. तो इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड बट रिसीव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट. बच्चों इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना तो लेते हैं, लेकिन जो वाटर और मिनरल की जो नीड होती है, बेसिक नीड, वो किसी और प्लांट यानी कि होस्ट प्लांट से कंप्लीट करते हैं. सो इस तरह से पैरासाइट प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, और अब हम सेकंड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एक सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी है, इसकी नेचर अलग होगी. तो चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं.
सेप्रोफाइट्स रेनी डेज दे ग्रोन ऑन डेड एंड डिकेंड मैटर. कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जो सिर्फ बारिश के समय पर यानी कि रेनी डेज में आपको देखने को मिलते हैं, और अधिकतर आपने देखा होगा कि कुछ सड़े गले या फिर कूड़े कचरे में आपने कुछ देखा होगा, मशरूम जैसे कुछ शेप जैसे आपके कुछ प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं. तो ये केवल रेनी डेज में ही देखने को मिलते हैं, और बेसिकली ज़्यादातर ये वुड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. इनकी नेक्स्ट विशेषता यह है कि डू नॉट पॉजिस ग्रीन कलर, और इनका जो कलर होता है, बच्चों आपने कभी भी ग्रीन कलर का मशरूम या कोई अदर जो इस तरह का डेड और डिकेड प्लांट पे जो डेवलप करता है सेप्रोफाइट वो कभी भी नहीं देखा होगा, तो इनके अंदर ग्रीन कलर नहीं होता है. थर्ड पॉइंट इसके बारे में हम देखते हैं, तो दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स एंड दिस मोड ऑफ कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. और एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं मशरूम, रीस एंड मैनी मोर बैक्टीरियाज. तो थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.